नमस्कार सभी किसान भाइयों को। तो जैसे आप देख सकते हो, आज हम रिव्यू करेंगे अर्जुन 555 DI अल्ट्रा 1 का, और मैं इसके बारे में डिटेल में वीडियो बताऊंगा आपको, बना करके पूरी बात बताऊंगा इसमें। तो आपको वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि एक एक चीज़ बताऊंगा इसमें। बस सिर्फ प्राइस को छोड़ दो, प्राइस के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, और क्योंकि प्राइस बताने के लिए सभी एजेंसी पर मना करते हैं। अब ये पता नहीं मुझे क्यों करते हैं, इसलिए आपको प्राइस नहीं बताऊंगा, बाकी और सब कुछ ही बताऊंगा। और प्राइस जानने का सबसे बेस्ट तरीका आप गूगल खोलिए, उस पर पता चल जाएगा। सिर्फ 5-10 हज़ार रुपया डिफरेंट होना चाहिए, क्योंकि गूगल पर सभी चीज़ दिखाते हैं कितने RTO लगते हैं, बाकी और पूरे पैसे इस पर अच्छे बता देंगे। तो प्लीज़ आप गूगल पर जाकर प्राइस देख सकते हो, और बाकी डिटेल बताऊँगा। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले मैं 2 शाउट आउट देना चाहता हूँ जिन्होंने हमारे वीडियो में कमेंट करे बहुत अच्छे। दिनेश जहांगीर नाम है लड़के का, और एक रमने का नाम है सुमित चौहान। दोनों ने बहुत अच्छे शाउट आउट जाते हैं हमारी तरफ से, उनके लिए बहुत अच्छे कमेंट किए। भाई प्लीज़ ऐसे ही कमेंट करते रहना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, ना लगे प्लीज़ तो भी एक बार लाइक कर देना। और जो वीडियो में कुछ गलत बोल जाऊँ या गलती से निकल जाए, वो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, या मैं भूल जाऊँ बताना, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है ना। और कोई भी गलती हो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो हम शुरू में टायर से शुरुआत करते हैं। टायर मिलते हैं हमें सीएट के 750-16 के। थोड़ा टायर इधर से दिखाता हूँ, दूसरी साइड से मैं आपको, ये आप देख सकते हो 750-16 के सीएट के टायर मिलेंगे इसमें आगे के। इसमें 6-16 का जो साइज आता है उसका भी ऑप्शनल है, और पीछे मिलेंगे 14-28 के टायर। इसमें 16-28 के भी टायर का ऑप्शनल मिल जाता है आपको। सीएट के टायर मिलते हैं, तो जैसे आप देख सकते हो इसमें टूल बॉक्स जो मिलता है वो मिलता है लोहे का, ठीक है ना। और इस ट्रैक्टर की जो व्हील बेस है वो है 2125 mm जो इसकी लेंथ है ट्रैक्टर की, ठीक है। और इसमें पावर स्टेरिंग मिलता है, जो कि इसका डुअल एक्टिंग पावर स्टेरिंग रोड मिलती है, यानी कि दोनों साइड पावर स्टेरिंग चलते हैं, इधर भी और इधर भी। इसका बेनिफिट ये होता है, अगर किसी बेस से 5-7 साल बाद हमारे ट्रैक्टर की कोई गिरोली कट जाए कहीं से भी, तो हम इसके छोटे छोटे हिस्से में बदलवा सकते हैं। हम इतना हिस्सा ही बदलवा सकते हैं, इतना भी बदलवा सकते हैं, वहाँ से भी बदलवा सकते हैं, यहाँ तक का और से बदलवा सकते हैं। जो सिंगल एक्टिंग पावर स्टेरिंग रोड होते हैं उसका पूरा पावर स्टेरिंग बदला जाता है, अगर कहीं से भी गिरोली कट जाती है। वो किसान की जेब पर और टाइम पर बहुत इफेक्ट डालता है, वो आता है 3000-4000 के बीच का, और टाइम ज़्यादा लगता है उसके लिए। इसमें कुछ नहीं, छोटी चीज़ बदलवाओ, 200-300-400 मैक्सिमम 500-600 तक की आएगी, और 10 मिनट में बदल के आपका ट्रैक्टर आपके हाथ में। आगे का एक्सल जो मिलता है वो मिलता है इसमें एडजस्टेबल, आप अपनी खेती के अकॉर्डिंग कैसे भी एडजस्ट कर सकते हो, आप देख सकते हो। आगे का लुक कुछ ट्रैक्टर का इस तरह का मिलता है, जो कि बड़ा ही शानदार, और अपने बहुत लंबे समय से एक इन्होंने बेंचमार्क क्रिएट किया हुआ अर्जुन ने, जो कि इस ट्रैक्टर में सबसे ज़्यादा खूबसूरती आई थी सबसे पहले ट्रैक्टर के अंदर, ठीक है ना। अब तो बहुत अच्छे अच्छे खूबसूरत ट्रैक्टर आ रहे हैं, लेकिन इसकी खूबसूरती सबसे बढ़िया थी, ठीक है ना। और ब्रेकिंग सिस्टम जो है इसका ल्यूब टैक का आता है, देख सकते हो आप लिख रहा है इस पर बिल्कुल, ठीक है ना। और PLF का मतलब है पावर लॉन्ग लाइफ फ्यूल इकोनॉमी इंजन इसके अंदर जो मिल जाता है। अपनी सीरीज में सबसे अच्छा एवरेज देने वाला ट्रैक्टर है, 50 HP पेपर पर मिलता है, लेकिन 55 HP कैटेगरी का ट्रैक्टर माना जाता है, लेकिन ऑन पेपर जो मिलेगा आपको 50 HP ही मिलेगा, ठीक है ना। सिंगल एक्टिंग और सिंगल क्लिच डबल क्लिच दोनों ट्रैक्टर में आपको अवेलेबल मिल जाएगा ट्रैक्टर, ठीक है ना। ये डुअल क्लिच ट्रैक्टर खड़ा टॉप मॉडल है, ठीक है। और इस ट्रैक्टर में चलो पहले एक बार पीछे से दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको डिटेल में बताऊँगा इसके इंजन के बारे में। इस ट्रैक्टर में काफ़ी चीज़ कंपनी ने इंक्लूड कर दिया है, इसमें देख सकते हो 2-2 एक्सोलरी वाल्व कर दिए कंपनी ने, एक ये रहा और एक यहाँ से अलग हो जाता है, ठीक है ना। यह चूड़ी चढ़ी है, इसे हटा करके होता है। इसमें क्या है, कोई भी फालतू ऑयल होता है तो इस ट्रैक्टर का इंजन गियर बक्से में ही चला जाता है वापस होकर के। इसमें दोनों मरघाटों के दरमियान एक रोड लगा दी गई है, जो कि ट्रैक्टर को कम से कम वाइब्रेट करे, ठीक है ना। लिफ्टिंग कैपेसिटी ट्रैक्टर की 2000 किलो की है, ठीक है। और इधर इसका हैंड ब्रेक मिल जाता है इधर की तरफ, बिल्कुल इसका इंडिपेंडेंट हैंड ब्रेक होता है। पीछे जिसके ब्रेकिंग लाइट इंडिकेटर लाइट है उस पर ब्लैक कलर की क्लेडिंग करी हुई है, जो कि बहुत शानदार लगती है। और फेंडर पर साइड में सिल्वर कलर की इसकी क्लेडिंग मिलती है, जो कि इसकी और भी लुक को इन्हेंस कर देती है, ठीक है ना। ट्रैक्टर का वेट है 1800 किलो, ठीक है। इस ट्रैक्टर की जो सीट है वो इतनी ज़्यादा हद तक पीछे हो जाती है, एडजस्ट कर सकते हो आप, कि इसमें आप 6 फुट से भी ऊपर का बंदा आराम से बैठ करके चल, ये दूसरी साइड से ये देख सकते हो कितना पीछा हो गया, तो ठीक है ना। इसमें 6 फुट तक का भी ट्रैक्टर को आसानी चला सकता है इंसान। और इसमें पार्किंग और इंडिकेटर लाइट बड़ी छोटी शानदार मिलती है, बहुत खूबसूरत लगती है, जिस पर ब्लैक कलर की ऊपर की ओर से कवरिंग की गई है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है, ठीक है। ट्रैक्टर की जो PTO है वो मल्टी स्पीड PTO मिल जाएगा, सिंगल PTO मिल जाएगा, फ्रंट और रिवर्स देख सकते हो दोनों में लिख रहा है रिवर्स और फ्रंट, ठीक है ना। 540 इकोनॉमिक PTO मिल जाती है इस ट्रैक्टर की, जो कि आप इसको इसमें जो PTO मिलती है वो 6 स्प्लिन
टाइप की पीटो मिलती है, ठीक है ना। हाई लो गियर के साथ 10 गियर मिल जाते हैं, 8 फॉरवर्ड, 4 रिवर्स गियर, इसमें 2 रिवर्स। और ट्रैक्टर के फॉरवर्ड में टॉप स्पीड है 35.4 किलोमीटर प्रति घंटा, रिवर्स में 14.94 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। ट्रैक्टर मिल जाता है आपको 4 सिलेंडर, जो कि 3054 सीसी का। इस बटन को दबा करके आप इसका बोनट खोल सकते हो, देख सकते हो। मैंने खोल दिया, आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। इसमें बोस का इनलाइन पंप मिल जाता है, 50 हॉर्स पावर में मिलेगा, पेपर में कैटेगरी का होगा 55 हॉर्स पावर। इसमें जो एयर फिल्टर मिल जाता है, ड्राई टाइप मिलता है, 4 सिलेंडर ट्रैक्टर है, देख सकते हो। इसमें कूलेंट बॉक्स मिल जाता था 1 लीटर का, ठीक है ना। पावर स्टीयरिंग का इसका जो ऑयल होता है वो गियर बॉक्स से लेता है ट्रैक्टर, अलग से आपको नहीं लेता। तो थोड़ा सा आइए मैं ऊपर से दिखा देता हूँ। तो जैसा आप देख सकते हो, ट्रैक्टर काफ़ी कमांडिंग पोजीशन पर बैठना पड़ता है ट्रैक्टर में, जो कि शानदार लगता है, बहुत ही ऊंचा लगता है ट्रैक्टर बैठने के दौरान। और ट्रैक्टर में जो इंजन 1800 RPM दिखा रखे है, तो कंपनी के इंजन के जो है ओरिजिनल 21 तो, लेकिन इसमें 3000 दिखा रखे हैं, जो कि हर कंपनी में थोड़े से ऐसे होते हैं बड़े हुए। और इसमें जैसे देख सकते हो आप, इंडिकेटर है डिजिटल प्लस एनालॉग दोनों तरह का मिलेगा। डिजिटल में इसमें घंटे दिखाएगा और इसमें फ्यूल टेम्परेचर वगैरह सब होगा। गियर बॉक्स आप देख सकते हो, 5 गियर इधर है, 4 प्लस बैक गियर, और हाई लो लगाने के बाद 10 गियर हो जाते हैं। हॉर्न का स्विच इधर ही मिल जाता है, इसमें हैंड की एक्सीलेटर इधर मिल जाती है, और इधर देख सकते हो इसमें कितना बड़ा मिरर मिल जाता है पीछे का देखने के लिए, ठीक है। और इसमें आप इमरजेंसी चारों पार्किंग इंडिकेटर चलाने तो इससे चला सकते हो, ठीक है। और लिमिट डिस्क ब्रेक इधर मिल जाता है ट्रैक्टर के, ये आप देख सकते हो इधर की तरफ दे रखे। और इसमें जो एक्सोलेटर वाल लगा रखे उसका लीवर इधर दे रखा है इसमें, ठीक है ना, यूज़ करने के लिए। और इसमें पीछे डीसी के लीवर इधर दिखा रखे है, पैर के एक्सीलेटर इधर है, बड़ी शानदार पिच। इस पूरे पायदान पर इसके काफ़ी हद तक प्लेटफॉर्म जो मिलता है फ्लैट मिल जाता है, इस पर रबड़ मिलेगी जो ट्रैक्टर किसान के पैर वैर स्लिप ना हो, ठीक है ना। और इसमें ऑयल इंप्रेस ब्रेक का भी सिस्टम है, और इसमें गियर बॉक्स जो मिलता है इसमें शिफ्टिंग वाला भी मिलता है, और सिंक्रोमैक्स में भी मिलेगा, वो ऑप्शनल है, आप कौन सा लेना चाहो, ठीक है ना। ये सिंक्रोमैक्स वाला वर्जन खड़ा है ट्रैक्टर का, ये थोड़ा सा और महंगा होता है अदर ट्रैक्टर के मुकाबले, ठीक है। इधर से आप देख सकते हो ट्रैक्टर के अंदर, इधर ये स्विच दे रखा है, ये अपनी जो पीछे की लिफ्टिंग होती है उसे कितने स्पीड से डालना उठाना उसकी स्पीड को आप लॉक कर सकते हो इस ट्रैक्टर को, ठीक है ना। और आइए मैं दूसरे साइड से दिखा देता हूँ। इसकी जो बैटरी मिलती है वो आगे बोनट में आगे रखी हुई होती है, और उसका जो आप ज़्यादा हैवी काम करते हो तो इधर से ये स्विच खोल करके इधर का पूरा फेंडर हटा सकते हो, उधर का भी हटा सकते हो, ट्रैक्टर ठंडा रहता है लंबे समय काम करने के लिए। पीछे देख सकते हो इसमें इंजन ऑयल फिल्टर इधर मिल जाता है, इसके अंदर फैन लगा हुआ मिलता है, आप दूर देख सकते हो, ये जो ऊपर की दिख रही है फैन की है, इधर इसमें फैन चलता है और ठंडा भी होता है, और प्लस पंपिंग अच्छी करता है, चारों सिलेंडर पर इक्वल ऑयल फेंकता है वो। और पीछे जो लंबा वाला दिख रहा फिल्टर, ये है इसका हाइड्रोलिक फिल्टर, ठीक है ना। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, मैं इस चीज़ में इसको बताता हूँ, इसका जो सबसे स्पेशल ट्रैक्टर होता है, ये जो सबसे बढ़िया माना जाता है रोटावेटर के लिए और प्लस कंप्यूटर मशीनिंग के लिए, सबसे स्पेशल ट्रैक्टर होता है सारी सीरीज में। तो अगर किसी को इस काम के लिए, तो सबसे बेस्ट ट्रैक्टर आपको यही मिलेगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, ना लगी प्लीज़ तो भी लाइक कर देना। कुछ गलती रह गया हो, छूट गया हो, गलत बोल गया हो तो कमेंट में पूछ लेना, गलती हो जाती है भाई, अगर छूट गया हो तो वही पूछ लेना, ठीक है। और प्राइस ना बताने के लिए मैं सॉरी मांगना चाहता हूँ, इसी वजह से मैं अपने चैनल पर इसी वजह पे नई कार का, बाइक का, और पुरानी कार और बाइक कहाँ अच्छी मिलती है उसका रिव्यू और वीडियो डाला करूँगा। इसी वजह से मेरा मन नहीं करता ट्रैक्टर की बनाने के लिए, क्योंकि ये प्राइस नहीं बताते, किसान भाई को मैं पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाता, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, वीडियो अच्छी लगे तो थैंक यू। और इसका डीजल खपत जो है मैक्सिमम 5.5 लीटर तक है मैक्सिमम, किसी कुछ भी लोड डाल दीजिए।